हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया था। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो हमने 17 अगस्त के लिए बनाई थी। अब उसमें हमने क्या बात की थी कि मार्केट अगर 415 के नीचे निकलती है, ये एक लेवल था। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके या तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आए या फ्लैट होके या स्लाइड गैप अप होके नीचे आए, किसी भी सिनेरियो में मार्केट अगर हमें 415 के नीचे मिलती है तो हम एक बेयरिश ट्रेड लेंगे, जिसके टारगेट हमारे होंगे 330 तक के। ये हमने डिस्कशन किया था। और आप देखिए कि ये जो कैंडल है इसने कहां से रिजेक्शन लिया। मार्केट ने 415 का लेवल ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने जहां गई वो एग्जैक्ट 415 से मार्केट ने रीटेस्ट किया है। अगर आप इस कैंडल को देखें, इस कैंडल का हाई क्या है, 19415.25। तो दोस्तों, ये एक्यूरेसी निकलती है आपके अच्छे एनालिसिस से और जो मार्केट के रूल्स हैं वो आपको अगर पता है तो मार्केट आपकी टिप्स पे काम करेगी। हमने जो टारगेट दिया था वो 330 था और मार्केट ने लो जो बनाया है वो 325 के आसपास बनाया है। एग्जैक्ट जो हमने ट्रेड सेटअप किया था, बिल्कुल मार्केट ने वो ट्रेड दिया है। तो ये थी लास्ट सेशन की बात। बात कर लेते हैं मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। मार्केट ने आज क्या किया है, मार्केट ने आज एक रेंज बना दी। अब ये रेंज कोई छोटी रेंज नहीं है, ये 270 से 370 के अराउंड हम इसको मान सकते हैं। ये देखिए 74 पॉइंट की रेंज मार्केट ने बना दी है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो फ्लैट ओपन होने पे हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट 19250 को ब्रेक करे और किसी एक कैंडल का क्लोज नीचे दे, कम से कम 5 मिनट कैंडल का। अगर ऐसा होता है तो हम तुरंत एक बेयरिश ट्रेड लेंगे जिसका एसएल हम रखेंगे 288। ये हमारा फ्लैट के सिनेरियो में एसएल रहेगा और इसके टारगेट हम मिनिमम 100 पॉइंट्स के आसपास ले सकते हैं। हो सकता है हमें ज़्यादा मिल जाए पर हम कंफर्टेबली 100 पॉइंट्स बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगती है तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जो है ये 330 ही हम इसको लेंगे। चांसेस है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो, हम यहाँ पे एक बेयरिश पोजीशन ट्राई करेंगे जिसका एसएल हम सिर्फ 15 पॉइंट्स का रखेंगे और इस कंडीशन में टारगेट हम 45 टू 50 पॉइंट्स के ही लेंगे। और अगर फर्दर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो हमारे टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे 100 पॉइंट्स के लिए और नीचे। तो ये है फ्लैट का सिनेरियो। अगर मार्केट हमें गैप डाउन मिलती है तो डेफिनेटली हम एक बेयरिश ट्रेड ही लेंगे और टारगेट हम 100 पॉइंट्स बुक करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ही 100 पॉइंट्स हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, अगर उस टारगेट के अराउंड मार्केट ओपन होती है मिनिमम 100 पॉइंट्स या उससे नीचे, तो हमें एक बुलिश पोजीशन ट्राई करनी चाहिए फर्स्ट 5 मिनट के लो का एसएल लगा के। बात कर लेते हैं मार्केट अगर गैप अप हो जाती है तो। गैप अप के सिनेरियो में हम क्या करेंगे, अगर मार्केट 330 के ऊपर गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे मार्केट या तो 375 को ऊपर ब्रेक करे या मार्केट कहीं भी ओपन होके 330 के अराउंड सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद हम यहाँ एक बुलिश पोजीशन ट्राई करेंगे जिसका एसएल हम 15 पॉइंट्स का रखेंगे। 315 का हम एसएल रखेंगे और टारगेट हम जो लेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारे होंगे 370 तक। और अगर 370 मार्केट ब्रेक करती है और कोई कैंडल क्लोज देती है तो हम 50 पॉइंट्स के और टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे पॉसिबल सिनेरियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।